हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेड वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन के इलाज के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के इलाज के लिए किस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, डिप्रेशन के लिए जो सॉल्ट आता है एस्टिक्लोपाम 10 mg या 5 mg, इन सॉल्ट्स का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों एस्टोपाम 10 में आता है, नेक्सिटो आता है जो सन फार्मा की टेबलेट आती है, तो कंपनी की नेक्सिटो 5, 10, ऐसे काफ़ी कंपनी के दोस्तों आते हैं ये साल्ट में, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। तो इन टेबलेट का दोस्तों लाभ ये है कि डिप्रेशन के इलाज के लिए भी इन टेबलेट का उपयोग किया जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज के लिए भी इन टेबलेट का उपयोग किया जाता है। तो एस्टिलोपाम जो साल्ट है दोस्तों 10 mg, वो दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल के स्तर को बढ़ाकर काम करता है, या आपके मूड को बेहतर बनाता है, चिंता टेंशन से राहत देता है और बेहतर तरीके से सोने में आपकी मदद करता है। पुराने एंटी डिप्रेशन की तुलना में इसके साइड इफेक्ट कम हैं। आमतौर पर इस दवा को काम करने में 4 से 6 सप्ताह लगते हैं, इसलिए चाहे आपको वह लगे कि दवा काम नहीं कर रही है, फिर भी आपको इसे लेते रहना होगा। भले ही आप बेहतर महसूस कर रहे हों, तब भी आपको इस डॉक्टर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टेबलेट का सेवन है जो करना होगा, और अपनी मन मर्जी के इसे लेना बंद ना करें, अपनी मन मर्जी से इसे लेना बंद ना करें। और एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज वो भी दोस्तों इस सॉल्ट से किया जाता है कि दिमाग में सेरोटोनिन नामक रसायन है, उस स्तर को बढ़ाकर एंजाइटी संबंधी विकारों के लक्षणों से राहत प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।